Hey guys, I am Vikas Tomar, Faculty of General Studies in KD Campus Private Limited, New Delhi. Guys, today we are going to discuss all questions that asked recently Tier 1 exam of SSC CGL 2017. दोस्तों मैंने यहाँ पे जो GA सेक्शन में क्वेश्चन पूछे गए CGL 2017 में 5 और 6 अगस्त को उन सारे क्वेश्चंस को मेमोरी बेस्ड हमने यहाँ पे कंपाइल किया है और आपको सारे क्वेश्चंस वन बाय वन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी के साथ मैं ये कोशिश करूँगा और एक आइडिया बताऊँगा जो एग्जामिनर ने इन क्वेश्चंस को फ्रेम किया है तो उसके माइंड में क्या रहा और आने वाले पेपर एग्जाम्स के अंदर वो कैसे कैसे क्वेश्चंस किस आधार पर बेस्ड रखने वाला है और ये वीडियो आपके लिए मैजिकल साबित होगी। इन सारे जो एग्जाम्स हैं आने वाले समय में एसएससी सीजीएल के हों चाहे 10+2 के हों चाहे मल्टीटास्किंग के हों, क्योंकि एसएससी जो सीजीएल में पैटर्न रखता है वही सारे एग्जाम्स में फॉलो करता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप देखते रहिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपके साथ लिए होने जा रही है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इट्स ऑल अबाउट मी, यू कैन गो थ्रू द ऑल द इंफॉर्मेशन। इफ यू वॉन्ट टू डाउनलोड कंटेंट ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव रिलेटेड Guys, it's all about me. You can go through all the information. If you want to download PDF of this content, you can visit on Facebook and search over there Government Jobs Academy, is page 247. या ये पेज का लिंक है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं और पेज का कुछ इस तरह से लेआउट होगा और वहां से जाके आप डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्यूचर में मैं बहुत सारे पीडीएफ की फॉर्म में आपको नोट्स प्रोवाइड कराता रहता हूं, जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती है मेरे इस फेसबुक पेज के थ्रू आपको मिल जाएगी। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपने इस कंटेंट को और इसका पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, सर पन्नालाल घोष बिलोंग्स टू विच इंस्ट्रूमेंट। ये पूछा गया है जो पन्नालाल घोष हैं एक आर्टिस्ट हैं, ये किस बाग यंत्र से संबंधित हैं, ये किस चीज को बजाते हैं, किस चीज से संबंधित है ये। और ये क्वेश्चन था, इनका बेसिकली आंसर है बांसुरी, ये फ्लूट आर्टिस्ट हैं। तो बेसिकली सर रिसेंटली पिछले एक साल में जो भी आर्टिस्ट चर्चाओं में रहे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पन्नालाल घोष जी काफी फेमस आर्टिस्ट हैं और इसीलिए इनसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा। क्यों फेमस है देखिए, 2016 में ये काफी चर्चाओं में रहे थे क्योंकि 105वां इनका बर्थडे मनाया गया, जन्म दिवस था इनका, जो कि रिसेंटली भी मनाया गया 24 जुलाई को इनका 106वां बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। तो आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन पूछा गया है बेसिकली करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, तो जो करंट में कंटेंट आप तैयार कर रहे हैं तो यहाँ से करंट में सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। अगर इस आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तो आपको फील होगा जो एग्जामिनर ने इस बार का पेपर फ्रेम किया है उसमें उसने करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीक को ज्यादा जगह दी है पिछली साल के एग्जाम्स की तरह। यानी कि जो जनरल अवेयरनेस का जो लेवल है बहुत ही ईजी रहा है, लेकिन जनरल अवेयरनेस में अगर आपको आता है तो इजी है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो दोस्तों तो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि 24 जुलाई को इनका 106वां बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था। अगला क्वेश्चन है ऑथर ऑफ द सेल आउट बुक। तो सर ये सेल आउट जो बुक नजर आ रही है बड़ा चर्चित बुक है पिछले एक साल में, क्योंकि इस बुक के लिए जो इसके राइटर थे इनको मैन बुकर प्राइज दिया गया। जो मैन बुकर प्राइज दिया गया बुक दिया गया था उनका नाम था पॉल बेटी। तो पॉल बेटी सर पिछले समय से काफी चर्चाओं में हैं और पॉल बेटी ने बेसिकली जो इनका नॉवेल था बेसिकली जो बेस्ड था वो अमेरिका के अंदर जो रेस संबंधित जो इवेंट्स होते हैं, जो गेम्स होते हैं रनिंग के ऊपर, उस पर बेसिकली एक जोक या व्यंग के आधारित ये इनका ऐसे था बेसिकली नॉवेल था। नॉवेल जो इनका था जो अमेरिका के अंदर जो दौड़ होती है रेस होती है उन पर आधारित था, उन पर एक व्यंग्यात्मक कटाक्ष के रूप में इन्होंने ये बुक को लिखा और काफी फेमस बुक रही और इसी के लिए इन्हें मान बुकर प्राइज 2016 से नवाजा गया। तो यानी कि ये जितने भी प्राइजेस हैं इस बार के सीजीएल में जितने बड़े बड़े फेमस प्राइज हैं
उनसे संबंधित काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आप भी आगे जितने भी प्राइज हैं उनको अच्छे से तैयार करके जाइएगा, उनकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उनको देख लीजिएगा, और रिसेंट में जिन जिनको जिन जो प्राइज दिए गए हैं वो भी आपको देख के जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने डिस्प्ले पे, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए ये भी क्वेश्चन सर करंट अफेयर्स से है, बिकॉज आपको पता होगा अभी हाल में ही प्रेसिडेंटल चुनाव हुआ भारत में, और भारत में माननीय रामनाथ कोविंद जी भारत के नए राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद क्वेश्चन था कि उपराष्ट्रपति, तो बीजेपी ने आपको पता होगा वेंकैया नायडू जी को प्रोजेक्ट किया और जो चुन भी लिए गए हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया गया सर, तो राष्ट्र जो राष्ट्रपति चुनाव था तो करंट अफेयर्स में चर्चाओं में था, तो वहां से सीधा सीधा क्वेश्चन पॉलिटी का पूछा गया है, तो यहाँ आंसर होगा 35 years। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हु वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त। तो देखिए सर एंशियंट हिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछा गया है और मौर्य डायनेस्टी से क्वेश्चन है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का क्या नाम था। तो सर ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए बिंदुसार, और आपने जब एसएससी की तैयारी की होगी तो मौर्य डायनेस्टी को पढ़ा होगा, चाणक्य कौटिल्य के बारे में पढ़ा होगा। आप पूछ सकता है फ्यूचर में बताइए कि कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो पुस्तक का नाम था सर अर्थशास्त्र। याद रखना उस अर्थशास्त्र का जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है उससे कोई लेना देना नहीं था। जी हाँ, जो अर्थशास्त्र बुक लिखी थी कौटिल्य ने दैट वॉज टोटली पॉलिटिकल रिजीम में लिखी गई थी, जी हाँ राजनीति के विषय में लिखी गई थी वो बुक, तो ये पता होना आपको चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है विच डायनेस्टी कम आफ्टर तुगलक। तो सर देखिए दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछा गया है, मिडिवल हिस्ट्री की तरफ आएंगे तो दिल्ली सल्तनत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये पूछा कि तुगलक डायनेस्टी के बाद कौन सा वंश आता है, तो आंसर होगा सैयद वंश। आप कहोगे सर अब सैयद वंश पूछा गया, तो सर दिल्ली सल्तनत में आपको पता है कि पांच फेमस डायनेस्टी रही, तो पांचों की पांचों आपको टिप्स पे रटी हुई होनी चाहिए। तो सर अब क्वेश्चन है कि हो सकता है कि आने वाले पेपर्स में दिल्ली डायनेस्टी से संबंधित कुछ और क्वेश्चन पूछ ले, तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे, जिससे आप दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश हैं वो सारे याद रख सकते हैं, जितनी भी डायनेस्टी है वो याद रख सकते हैं। तो ट्रिक आप कॉपी पर नोट कर लीजिए, ट्रिक लिखेंगे आप गुलाब खिले तो सांस लो। क्या ट्रिक है? गुलाब खिले तो सांस लो, यानी कि गुलाब माने गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी, खिले माने तो खिलजी वंश, उसके बाद तो माने तुगलक, और सा माने सैयद, और ला माने लोधी, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था तुगलक, तो तुगलक के बाद कौन सा आया था? सैयद, और सैयद के बाद कौन सा वंश आपको देखने को मिलेगा? लोधी वंश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे लिखा हुआ है सर आपके सामने इक्वेरियम मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड। देखिए सर जो इक्वेरियम मिलिट्री एक्सरसाइज थी जो काफी फेमस रही थी, पिछले साल काफी चर्चाओं में रही थी, ये 15 से लेकर 28 दिसंबर 2016 में कंडक्ट हुई थी, 14 दिन की मिलिट्री एक्सरसाइज थी जो मालदीव्स में हुई थी, और ये बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका मालदीव्स, तो आपको पता होना चाहिए सातवीं इस एडिशन था, ये सेवेंथ एडिशन 15 से 28 दिसंबर 2016 को 14 दिन के लिए हुआ था इंडिया और मालदीव्स के बीच में। तो अब यहां से आपको एक सिग्नल मिल रहा है, तो पिछले एक साल की पूछी गई है ये, तो पिछले एक साल में जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड हुई हैं वो आपको पता होनी चाहिए। रिसेंटली रशिया इंडिया अमेरिका के बीच में भी कुछ नई मिलिट्री एक्सरसाइजेस चर्चाओं में हैं, तो दोस्तों वो आपको तैयार करके जानी होगी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है विच डिवाइस इज यूज टू मेजर सॉइल मॉइस्चर टेंशन। बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है सर, ये कह रहा है कि सॉइल मॉइस्चर टेंशन को मेजर करने के लिए कौन से डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। अब हिंदी भाषी जो लोग हैं वो समझ लें इसका मतलब होता है मृदा आर्द्रता तनाव। तो बेसिकली मृदा आर्द्रता तनाव होता क्या है, ये वह शक्ति होती है जिस पर जल जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है यानी कि ग्रेविटल फोर्स होता है कि वृद्ध भूमि में रहता है, यानी कि ये वो फोर्स ये वो सिस्टम है वह शक्ति है वह फोर्स है जिससे जो पानी होता है जल होता है पृथ्वी के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके अगेंस्ट रहते हुए भी वो पानी के अंदर बना रहता है। तो क्वेश्चन ये है कि उस इंस्ट्रूमेंट का नाम यहाँ पे पूछा, तो बहुत आसान सा आंसर है, इसका नाम है टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर तो आपको रटने हैं। अब यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि ये पूछने की एक लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से किस किस चीज का मेजरमेंट होता है और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का की खोज किसने की थी, इन्वेंशन किसने की थी। यार जो इतने बेसिक क्वेश्चन है ये पांचवी छठी में हम जो किताब पढ़ते थे सामान्य ज्ञान की वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सर आप एक बुक ले लीजिए, आप मनोहर पांडे
की बुक देख सकते हैं, लीशेंट की बुक देख सकते हैं, हर जगह ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं सर ये। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, हु गॉट पॉली उमरीगर अवार्ड 3 times। तो देखिए विराट कोहली जो हैं उनको इस अवार्ड से 3 नवाजा जा चुका है। विराट कोहली को इससे पहले 2011-12 में मिल चुका है अवार्ड, 2014-15 मिल चुका है और 2017 में भी उनको दिया गया है। तो आंसर यहां पे विराट कोहली। लेकिन अब आने वाले पेपर में ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये खबर 1 मार्च की खबर है सर, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो 1 मार्च को क्या हुआ था, दिलीप सरदेसाई अवार्ड भी दिया गया था इस अवार्ड के साथ, तो दिया गया था रविचंद्रन अश्विन को। जी हाँ, नोट कर लीजिए कॉपी पर, इसी दिन रविचंद्रन अश्विन जी को दिया गया था दिलीप सरदेसाई अवार्ड, और ये पहले भारतीय हैं जिनको दूसरी बार यह अवार्ड दिया गया है, जबकि विराट कोहली को तीसरी बार कौन सा दिया गया था, पॉली उमरीगर। और आपसे पूछ सकता है पेपर में, रविचंद्रन अश्विन को जो अवार्ड दिया गया दिलीप सरदेसाई, तो वो पहले व्यक्ति है जिनको दूसरी बार दिलीप सरदेसाई अवार्ड से नवाजा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडिया में जो स्टेडियम है हाल में ही जिसका पहला टेस्ट मैच कंडक्ट हुआ, तो सर वो स्टेडियम का नाम है सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम, राजकोट में है सर ये। पर इसमें पहला जो आंसर है सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम, ये राजकोट में जो पड़ेगा आपको, इसमें पहला टेस्ट मैच कंडक्ट हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ। तो सर ये एक स्टैटिक क्वेश्चन नहीं कह के हम करंट अफेयर का क्वेश्चन आप कह सकते हैं। अगली तरफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। सर बच्चा बच्चा जानता है सर कि बल का मात्रक क्या है। तो सर जितने भी यूनिट्स हैं आपको फिजिक्स के पहले पेज पे दे रखे होते हैं, वहां से क्वेश्चन 2-3 देखे गए हैं पेपर में। तो यहाँ पे सर बड़ा सिंपल सा आंसर है, न्यूटन आंसर है इसका। आगे चलते हैं सर, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल प्रेसिडेंट हैज द पावर टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, तो आर्टिकल 143 राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मुद्दे में अगर उसे लगता है विवादित है, वो राष्ट्रपति के पास जाके उस मुद्दे में क्या कर सकता है, कंसल्ट कर सकता है, डिस्कस कर सकता है, उस मुद्दे पर बातचीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, नेम द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। बड़ा सिंपल सा है सर, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, लास्ट ईयर फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो आपको पता होना चाहिए। मैंने क्लासेस में भी बहुत डिटेल में पढ़ा रखे हैं टॉपिक्स को, यहाँ बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए। तो आंसर होगा अरविंद पनगरिया, जिन्होंने हाल में रेजिग्नेशन दे दिया है और जो अपनी सीट पर रहेंगे 31 अगस्त 2017 तक। और इसके अलावा पेपर में ये पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री ने जो नए वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, वो किसको अपॉइंट करने की बात की है, तो ये आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर राजीव जो नए उपाध्यक्ष रहने वाले हैं नीति आयोग के, इम्पोर्टेंट है। तो नीति आयोग किसकी जगह लाएगा, तो सबको पता होना चाहिए जो प्लानिंग कमीशन था जो 15 मार्च 1950 को एस्टेब्लिश किया गया था एज अ नॉन स्टेचुरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और इसका वर्क था भारत में 5-year प्लान्स का निर्माण करने का, और इसको रिप्लेस किया गया है नीति आयोग के द्वारा। अब करंट से क्वेश्चन ये बनेगा, तो नीति आयोग की हाल में 3री मीटिंग हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये अनाउंस किया जो 12 5-year प्लान्स फिनिश हो चुके हैं, अब हम उनको कंटिन्यू नहीं करेंगे, अब हम 15 साल के प्लान बनाएंगे जो 3 भागों में होंगे, 3 years, 5 years और 15 years। अगर सर आप इस पे डिटेल में जानना चाहते तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बना रखा है, यूट्यूब पर जाके आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं विकास तोमर, और तो वहाँ पे एक चैनल नजर आएगा आपको गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी, तो वहाँ जाके नीति आयोग के ऊपर आप ये मैंने पूरा डिटेल में प्लानिंग कमीशन नीति आयोग NDC के ऊपर वीडियो बना रखा है, देख के जाइए। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और 2 क्वेश्चन इस बार आ चुके हैं इस टॉपिक से, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चलते हैं सर, विच मेमोरी स्टोर डेटा परमानेंटली। तो आपको पता होगा जो कंप्यूटर्स में जो प्राइमरी मेमोरी 2 होती है, रैम और रोम। रोम स्टैंड फॉर रैंडम रीड ओनली मेमोरी, और रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो सर रोम जो होती है ये परमानेंट होती है, यानी कि आप कंप्यूटर को बंद भी कर दोगे तो ये डेटा डिलीट नहीं होगा, और रैम आपकी वॉलेटाइल होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अगली बार पूछेगा रैम कैसी मेमोरी है, ये परमानेंट थी तो वो वॉलेटाइल होगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, टर्टल लिजार्ड स्नेक, तो कह रहे हैं ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं। तो ऑब्वियसली तो बच्चे को भी पता होगा सर, ये सारे रेप्टाइल हैं, है ना, सारे सरीसृप में आते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली USA मेड विच कंट्री एज मेजर डिफेंस पार्टनर। आपको पता ही होगा मोदी जी ने भारत में डिफेंस के सेक्टर में हमने पिछले 2-3 साल में अमेरिका से बहुत सारे वेपन्स तो काफी चीजें हमने इम्पोर्ट की हैं, और भारत को अमेरिका ने हाल में डिक्लेयर किया था, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है कि भारत उसका डिफेंस पार्टनर है सबसे बड़ा, वो है इंडिया, मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया सर। तो रिसेंट में जितने भी इंटरनेशनल रिलेशंस पे
खबरें बन रही हैं, न्यूज बन रही हैं, वो एग्जाम में पूछी जा रही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द काशन? तो काशन का मतलब क्या है सर? बेसिकली ये आपने देखा होगा, केमिस्ट्री में है तो आपने ऋणायन धनायन सुना होगा। तो सर बेसिकली इसको जो प्रोनंसिएशन करेंगे वो कैटायन पढ़ते हैं। तो कैटायन का मतलब क्या है? तो कैटायन का मतलब होता है धनावेश। तो बेसिकली एक प्रोटॉन होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। तो पॉजिटिव चार्ज्ड आयन को ही कैटायन बोलते हैं। और आगे चलते हैं सर, अगला क्वेश्चन था बड़ा मासूम सा, सैंडस्टोन इज मेड अप ऑफ। तो सैंडस्टोन का मतलब होता है बलुआ पत्थर, बना हुआ होता है सर खनिज और रॉक कणों से मिलकर बनता है, जिनको सर आप नाम देंगे यहाँ पे क्वार्टज और फील्डस्पर। क्वार्टज और फील्डस्पर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है सर। तो जितने भी प्रकार के पत्थर होते हैं उनके एक बार संरचना को आप देख के पेपर में जरूर जाएं, वहां से अगला क्वेश्चन भी रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, वेयर इज टेम्पल ऑफ भैरव? अब भैरव टेम्पल पूछा गया, तो सर भारत के हर स्टेट में आपको इस नाम के टेम्पल देखने को मिल जाएंगे। और बेसिकली सर बनारस में भी भैरव टेम्पल है, दिल्ली में भी भैरव टेम्पल है। तो सर ये करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो बेसिकली मोदी जी ने विजिट किया था, और ये यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए कई सारे बच्चों के अनुसार मुंबई महाराष्ट्र था वहाँ पे, और मैंने सर पेपर को देखा नहीं है। अगर यहाँ पे हो सकता है बनारस भी आंसर हो सकता है, लेकिन देखते हैं एसएससी क्या आंसर सही मानता है। तो बनारस में भी है, मुंबई महाराष्ट्र में भी है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने कलेक्ट किए हैं, स्टूडेंट से कलेक्ट किए हैं अपने। तो अब एमसीक्यूज में नन ऑफ दीज था क्या था, तो फिर वो सर रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। खैर, तो जितने भी स्ट्रेटेजिक जीके में टेम्पल हैं, पावर प्लांट हैं, ये आपको रिवर्स हैं, आपको पढ़ के जानी पड़ेगी, ये तय है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग इज पुअर कंडक्टर? तो सीधी सी बात है, तो कुछ ऑब्जेक्टिव दे रखे थे, उसमें पूछा था कि जो विद्युत है, ऊष्मा है, उसके अच्छे कंडक्टर कौन से हैं। तो यहाँ पे सर जो एग्जाम्पल था वहां पे आंसर था ग्लास। तो ग्लास एक घटिया कंडक्टर होता है। अगला आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, द कैबिनेट मिशन केम इन टू, अब क्वेश्चन पूछा गया जो कैबिनेट मिशन था भारत में कब आया? तो आपको पता होगा सर, कैबिनेट मिशन क्लीमेंट एटली के द्वारा भारत में लाया गया, जो बेसिकली भारत के लोगों को सत्ता सौंपने का एक इनिशिएटिव था। बेसिकली ये 24 मार्च 1946 को लाया गया। तो सर ये मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई सभी कॉमर्शियल बैंकों से पैसा उधार लेती है। अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आया अगस्त में तीसरा, जिसके अनुसार जो रिवर्स रेपो रेट है उसको अब 6% से घटाकर 5.75 कर दिया गया है। तो वहां पे जो आंसर दे रखा था, तो सर आंसर ये था, द रेट एट विच रिवर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरोस मनी फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक्स विद इन द कंट्री। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है सर ये, और इकोनॉमिक्स मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई थी, लेकिन इस बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सर। वेयर इज पाताल भैरव टेम्पल? तो सर फिर से देखिए, पाताल भैरव टेम्पल बड़ा फेमस है, चर्चाओं में था, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है सर, और स्टैटिक पूछ करके पूछ लिया गया उसने। उज्जैन में है सर, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। आगे है 2016 मान बुकर प्राइज, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ पहली क्वेश्चन में। तो सर आपको मैं बता चुका था पॉल बैटी को दिया गया है, ये दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन सेम क्वेश्चन को रिपीट करके घुमा के पूछा गया। आगे चलते हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान में कितना फंडामेंटल राइट है? तो आपको ये पता होना चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए। तो भारत के संविधान में 6 फंडामेंटल राइट हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सर आपको पेपर में ये भी पूछ लेगा, निम्न में से कौन सा फंडामेंटल राइट है या नहीं है। तो आप नोट कर लीजिए कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं। ऐसा ही नहीं आपके फंडामेंटल राइट हैं, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज भी बनती हैं देश के लिए, ऐसा संविधान में लिखा गया है। तो फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं लिख लीजिए, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू एजुकेशन, राइट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, राइट टू रेमेडीज, तो लाइक दैट, ये 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया यानी कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बच्चे को पता होगा, भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, जी हाँ, जो रहा 1856 से लेकर 1862 तक, 6 साल तक रहा लॉर्ड कैनिंग, ये पहला वायसराय था भारत का, गवर्नर जनरल था। हिस्ट्री का क्वेश्चन है सर, ये मॉडर्न हिस्ट्री से दूसरा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आगे देखा, लेवनी डांस फेस्टिवल विच स्टेट में मनाया जाता है? तो लेवनी डांस फेस्टिवल सर बड़ा फेमस था, ये बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ढोलक बजती है और यहाँ की औरतें अपना जो मतलब एक ट्रेडिशनल डांस नाचती हैं, ये कहाँ का है ये पूछा गया। तो सर आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र का है। अगला क्वेश्चन था सर, मेडिकल स्कीम फॉर APL फैमिलीज इन आंध्र प्रदेश। सर आंध्र प्रदेश सरकार ने एक स्वास्थ्य स्कीम शुरू की थी
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनका नाम है चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्कीम शुरू की थी, जिस स्कीम के अंतर्गत उन्होंने ये कहा था जो अबव पॉवर्टी लाइन जो फैमिलीज हैं उनको 1500 रुपये वार्षिक में हम मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएंगे, और जिसको नाम दिया था आरोग्य रक्षा, बेसिकली स्वास्थ्य विद्या। उन्होंने जो स्कीम शुरू की थी इसके अंतर्गत शुरू की थी, स्वास्थ्य विद्या वाहिनी के अंतर्गत स्कीम शुरू की थी, इसका नाम था आरोग्य रक्षा। तो आरोग्य रक्षा आपको रटना पड़ेगा। तो जितनी भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाई हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सोशल वेलफेयर स्कीम्स पिछले 2 से 3 साल के से लेकर अब तक की जितनी भी हैं वो आपको सारी पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप चाहते हैं सोशल वेलफेयर स्कीम्स को तैयार करना तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बना रखी है सोशल वेलफेयर स्कीम्स इन इंडिया, तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं सोशल वेलफेयर स्कीम्स वाई विकास तोमर, तो आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी मेरे गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, और मेरे चैनल को आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोज के लिए फ्यूचर में जो अपलोड करूंगा। आगे क्वेश्चन है नेम द मेटल यूज एज गल्वनाइजिंग एजेंट। तो गल्वनाइजिंग एजेंट का मतलब ये पूछा गया है कि सर उस मेटल का नाम आपको बताना है जो गल्वनाइजिंग एजेंट के तौर पर प्रयोग किया जाता है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर ये फिजिक्स का। बेसिकली गल्वनाइजेशन का मतलब क्या होता है? गल्वनाइजेशन का मतलब होता है उद्योगों में प्रयोग किया जाता है इसका। बेसिकली लोहे और जो स्टील पर जंग रोकने के लिए होता क्या है, जिंक के का लेप लगाया जाता है, जिससे वो क्या होता है लोहे और स्टील पर जंग ना लगे। तो जो जिंक के जो लेप होता है इसको बोलते हैं गल्वनाइजेशन। ये बेसिकली गल्वनाइजेशन जो प्रोसेस होती है इंडस्ट्रीज में प्रयोग की जाती है, और जिस पर लेप किसका होता है, जिंक का होता है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। फाउंडर ऑफ एक्सरे स्टैटिक क्वेश्चन है सर, ये आपको रटना पड़ेगा, जिनका नाम था विलहेलम कॉनराड रॉयटगेन। तो ये आपको पता होना चाहिए, स्टैटिक जितने भी इन्वेंशन हैं वो पूछी जा रही हैं पेपर में। आगे शेख हसीना बिलोंग्स टू विच कंट्री, आपको पता होगा फेमस है, भारत आई थी लास्ट ईयर, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, मोदी जी से मिली थी, करंट अफेयर का क्वेश्चन है बेसिकली ये। अगला क्वेश्चन है एनीमिया इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो सर आपको पता होगा भारत में मरने वाली मैक्सिमम महिलाएं बेचारी एनीमिया का शिकार होती हैं। जब भारत में कोई लड़का पैदा होता है तो ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जैसे ओलंपिक में कोई गोल्ड मेडल जीता हो, और लड़कियां पैदा होती तो ऐसे मतलब मरा हुआ मुंह बन जाता है जैसे कोई मरा मरा गया हो। तो ये भारत में ये बहुत ही बड़ी मतलब सामाजिक एक तरह से त्रासदी कह सकते हैं महिलाओं के प्रति सोच है। बेसिकली एनीमिया में होता क्या है, डिक्रीज हो जाता है जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जिससे बेसिकली आयरन की कमी हो जाती है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बायोलॉजी में आप लोगों को सर लोगों ने बड़ा डिटेल में पढ़ाया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे देर का नया सूत्र बुक वॉज रिटन बाई, तो सर नया सूत्र बुक काफी फेमस बुक है, ये लिखी है सर गौतमा ने, इनका नाम है अशोक पद गौतमा। अगला क्वेश्चन है विच राइट्स आर नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो कौन से राइट को कौन से अधिकार को आप वायलेट नहीं कर सकते, तो वो है आर्टिकल 21। जी हाँ, आर्टिकल 21 में डिफाइन किया गया है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन और अपनी पर्सनल लिबर्टी की पूरी आजादी है। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, अपने जीवन और अपनी पर्सनल लाइफ की सुरक्षा की पूरी आजादी दी जाती है इस आर्टिकल में। तो सर ये आप किसी पर इम्पोज नहीं कर सकते, इसको सस्पेंड आप इमरजेंसी के दौरान सरकार नहीं कर सकती। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आजाद बचपन की ओर। तो सर ये काफी फेमस व्यक्ति रहे हैं कैलाश सत्यार्थी, जिनको 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल प्राइज दिया गया, जिन्होंने भारत में जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके लिए कई सारे कैंपेन चलाए हैं, बेसिकली ये वकालत करते हैं बच्चों के जीवन के लिए। तो आजाद बचपन तो बड़ा फेमस बुक है, तो आपको पता होगी कैलाश सत्यार्थी, और पिछले साल भी SSC में कैलाश सत्यार्थी पे क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि इनको नोबेल प्राइज मिला था। अगला क्वेश्चन है रस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, रस्टिंग का मतलब होता है सर जंग लगना। तो बेसिकली रस्टिंग प्रोसेस क्या है, तो सर ये बेसिकली एक ऑक्साइड बनता है, जनरली होता क्या है रेड ऑक्साइड जो होता है हवा और नमी के कांटेक्ट में आके रेडॉक्स बनाता है, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं ऑक्साइड, और जैसे कि इसको ऑक्सीडेशन का मतलब हिंदी में होता है सर ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के दौरान ही क्या होता है, जंग लगती है, यानी कि रेड ऑक्साइड हवा और पानी कॉन्टेक्ट में आके रेडॉक्स बनाता है। आगे चलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर एंड आइडियल वोल्टमीटर, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है सर, जो प्रतिरोध होता है एक आदर्श एमीटर का और आदर्श वोल्टमीटर का। तो सर आदर्श जो एमीटर होता है इसका प्रतिरोध होता है अनंत, और जो आदर्श वोल्टमीटर होता है इसका प्रतिरोध होता है जीरो।
रेसिस्टेंस होता है, जीरो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ी होगी आपने। अगला क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ ड्राई आइस, सभी को पता होगा सर, जो जो बर्फ होता है उसका रासायनिक नाम होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मरीना ट्रेंच इज लोकेटेड इन विच ओशियन। सर कई बार एसएससी में मरीना ट्रेंच से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सबसे गहरा स्थान है समुद्र के अंदर ये, और ये पैसिफिक ओशन में पाया जाता है सर। अगला क्वेश्चन है मरीना ट्रेंच इज लोकेटेड इन विच ओशन, तो सर आंसर है पैसिफिक ओशन। एसआई यूनिट ऑफ वर्क, सर बच्चे बच्चे को पता है कि कार का मात्रक होता है, हम बचपन से रटते हुए हैं जूल, तो सर ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो आप यूनिट्स रट के जाना फिजिक्स में। नेम द इन्वेंटर ऑफ लेजर प्रिंटर, तो सर लेजर प्रिंटर को इन्वेंट किसने किया, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन नहीं होगा, बेसिकली आपको ये रटना पड़ेगा। लेजर प्रिंटर आप नहीं जानते हैं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए। प्रिंटर्स के कई टाइप्स होते हैं, तो लेजर प्रिंटर जिनका नाम था गैरी केथ स्टार्क वेदर, गैरी केथ स्टार्क वेदर, इन्होंने इन्वेंट किया था किसको सर, लेजर प्रिंटर को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे सर हम। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन लोकसभा, तो सर लोकसभा में राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वो दो सदस्यों को नियुक्त कर सकता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को नियुक्त कर सकता है, और ये दो सदस्य नियुक्त कर सकता है, तो संविधान के आर्टिकल 80 आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80 में अधिकार है कि राष्ट्रपति लोकसभा में दो लोगों को नियुक्त कर सकता है, और राज्यसभा में जाएंगे तो 12 लोग आपको देखने को मिल सकते हैं। यूनिट ऑफ प्रेशर, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रेशर दाब का मात्रक पास्कल होता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आगे चलते हैं सर, अगला क्वेश्चन है डंकन लाइन पासेस थ्रू, तो डंकन लाइन ये किसके थ्रू गुजरती है, तो सर ये जितने भी लाइंस हैं जितनी भी रेखाएं हैं वो आपको पता होनी चाहिए, तो ये रटने वाला क्वेश्चन है। इसमें सर आप बेसिकली इंडियन ओशन के बीच से निकलती है डंकन लाइन, तो जो आपको ज्योग्राफी के जो बेसिक्स ज्योग्राफिकल एरियाज हैं जो लाइंस निकलती हैं वो रट के जाना होगा, पाकिस्तान भारत के बीच में कौन सी, भारत चाइना के बीच में कौन सी, लाइक दैट। अगला क्वेश्चन है नेहा कक्कर, तो सर आजकल काफी चर्चा हूँ, पिछले एक साल से नेहा कक्कर को कई अवार्ड भी मिले हैं सिंगिंग के लिए, तो बेसिकली एक बहुत अच्छी सिंगर है। आगे चलते हैं, व्हाट डज एस इन ब्रिक्स, तो ब्रिक्स का मतलब होता है ब्राजील रसिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका, एक ग्रुप है ये, तो एस फॉर साउथ अफ्रीका जो 2010 से ब्रिक्स का मेंबर बना है। तो सर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, और फ्यूचर में मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और जिसके लिए आप गूगल पे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं विकास तोमर, और वीडियो को आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है द पेसमेकर इज यूज्ड फॉर विच ऑर्गन, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है पेसमेकर, तो सर पेसमेकर आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, पेसमेकर जैसे कि कई हीरो टाइप के लोग होते हैं तो उनका जो एक कुछ सूंघते रहते हैं चूसते रहते हैं डिवाइस का होता है, बेसिकली हार्ट से रिलेटेड होता है पेसमेकर, तो आप सभी ने देखा होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वेयरिंग स्ट्रेट कनेक्ट, तो वेयरिंग स्ट्रेट कनेक्ट करती है किसको, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर, बेरिंग स्ट्रेट्स कनेक्ट करती है, तो ये रटना पड़ेगा आपको आर्टिक ओशन एंड बेरिंग शियर, वेरिंग शियर माफ कीजिएगा आर गलत लिख गया है, आर्टिक ओशन और वेरिंग सी को जोड़ता है बेरिंग स्ट्रेट। अगला क्वेश्चन है सर, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई कंट्री माई लाइफ, तो सर आपको पता ही है जो हमारे कंट्री है फूफा जी के नाम से फेमस है, हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिन्होंने पूरे बीजेपी को खड़ा किया आज, लेकिन आज उनको क्या मिला, ना ही कभी बेचारे प्रेसिडेंट बन पाए ना ही प्रधानमंत्री बन पाए, तो खैर एल के आडवाणी जी की ये बुक काफी फेमस है काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो रिसेंट में कुछ फेमस बुक्स हैं आपको तैयार करके जानी है, यहाँ से आप ये मान के चलिए एग्जाम के अंदर एक दो बुक और आने वाली हर पेपर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। व्हाट इज द नेम ऑफ रिवर गंगा इन बांग्लादेश, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है सर, सभी बच्चों को पता होता है बेसिकली कि बांग्लादेश में जो गंगा नदी है उसको किस नाम से पुकारते हैं, तो पद्मा बोलते हैं वो लोग, तो आपने ज्योग्राफी में इसको पढ़ा होगा। आगे चलते हैं सर, व्हाट इज द नेम ऑफ तसांगपो रिवर, तो सर तसांगपो रिवर जो है चाइना में बहती है, इसको इंडिया में हम किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को हम चाइना में तसांगपो रिवर भी कहते हैं। आगे है वेयर डू यू फाइंड मसल ट्रैप, तो सर मसल ट्रैप पिछले कुछ समय में करंट अफेयर में चर्चाओं में थी, केन्या की मसल ट्रैप काफी चर्चाओं में थी, तो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ लिया गया ये। अगला क्वेश्चन है सर, व्हाट इज द सेपक टाकरा, सेपक टाकरा बेसिकली होता क्या है, जैसे हम वॉलीबॉल खेलते हैं ना हाथ से बॉल फेंक के, तो सेपक टाकरा एक गेम है जो पैर से बॉल को मार मार के खेला जाता है, तो किक वॉलीबॉल है, जी हाँ, तो ये साउथ ईस्ट एशिया में काफी फेमस है सेपक टाकरा। आगे चलते हैं, Which of the following state is not connected to Bhutan? तो कह रहे हैं कौन सा राज्य भूटान से लगा हुआ नहीं है, तो सर आपको पता है भारत चाइना भूटान तिब्बत काफी चर्चित मुद्दे हैं इस समय भारत के पॉलिटिकल सिनेरियो में, तो सर हिमाचल प्रदेश में जहाँ दलाई नामा रहते हैं, तो
ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे डाला गया। तो सर अभी चाइना इंडिया के जो रिलेशंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पॉलिटिकली और ज्योग्राफिकली यहाँ से क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन है हमारा बड़ा सिंपल सा है कि अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है हु गेव द टाइटल महात्मा टू गांधी, गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसने दिया। तो गांधी जी को जो महात्मा का टाइटल दिया था वो दिया था सर रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आगे चलेंगे सर। गौतम बुद्ध अटेंड एलाइटमेंट एट, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बोध गया में। अगला क्वेश्चन है हमारा सर व्हाई ब्लैक बोर्ड लुक्स ब्लैक, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है फिजिक्स का, तो सर आपको पता होगा इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर, क्योंकि जो काला कलर होता है इस पर कोई कलर रिफ्लेक्ट नहीं होता है, तो ब्लैक बोर्ड हमेशा ब्लैक ही दिखेगा। आगे लिखा है हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन, तो सभी को पता है हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड ब्लूटूथ, सर पता होना चाहिए, जिनका नाम है जेफ हैरिसन, तो रटने पड़ेगा आपको, जेफ हैरिसन ने ब्लूटूथ की खोज की थी। आगे चलते हैं दोस्तों, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन पोलो गेम, पता होना चाहिए चार प्लेयर खेलते हैं पोलो का गेम। आगे क्वेश्चन है सर विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कार्बन फ्री, कौन सा स्टेट जो भारत में कार्बन फ्री डिक्लेयर किया गया, करंट अफेयर क्वेश्चन है सर हिमाचल प्रदेश को डिक्लेयर किया गया। अगला क्वेश्चन है सीपीआई पार्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, सर ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सीपीआई से क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्योंकि आपको पता होगा कि सर सीपीआई के द्वारा एक आरोप लग रहा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के ऊपर, जो केरल वेस्ट बंगाल में इनका काफी दबदबा देखने को मिलता है। और बेसिकली यहाँ पे केरल में एक आरएसएस के एक कार्यकर्ता थे जिनका नाम था राजेश कुमार, जिनको हाल में ही मौत के घाट उतार दिया गया, मार दिया गया, और जो आरोप लगा है जो इन लोगों पे लगाया गया है। तो आगे चलते हैं सर, अगला क्वेश्चन है तो ये सीपीआई कब एस्टेब्लिश हुई थी, तो 1925। अगला क्वेश्चन है व्हाट व्हाट, तो कह रहा है कि सर जो पृथ्वी का हिस्सा कितना है जो लैंड को कवर करता है, 29% के आसपास। आगे क्वेश्चन है हमारा दादा साहब फाल्के अवार्ड 2017, सर देखिए फिर से अवार्ड्स पे क्वेश्चन है, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड भारत में दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में विशेष योगदान को, जैसा कि आपको पता होगा 2016 में दिया गया, जिनका नाम है कसिन थुनी विश्वनाथ, ये एक फेमस डायरेक्टर हैं, इनका नाम है कसिन नथुनी विश्वनाथ, एक फेमस डायरेक्टर हैं। और इससे पहले आपको पता होगा पिछली साल मनोज कुमार, उससे पिछली बार शशि कपूर, उससे पिछली साल गुलजार, तो आपको पता होगा मनोज कुमार शशि कपूर एक्टर हैं, गुलजार जी बहुत फेमस संगीतकार हैं, और ये डायरेक्टर निर्देशक हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो जितने भी अवार्ड्स हैं वो रटने पड़ेंगे आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉमन नेम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, बच्चे को भी बताओ, धावन सोडा बोलते थे बचपन में, बासिंग सोडा को क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, हु वन द 2015 क्रिकेट वर्ल्ड कप, 2015 का क्रिकेट वर्ल्ड कप सबको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। अगला क्वेश्चन है रुक्मिणी देवी बिलोंग्स टू विच डांस, तो रुक्मिणी देवी सर काफी फेमस हैं, सर ये डांस करती हैं आपका भरतनाट्यम, जी हाँ भरतनाट्यम डांस करती हैं रुक्मिणी देवी जी। अगला क्वेश्चन है विच क्वीन ऑफ काकातिया डायनेसिटी रूल्ड साउथ इंडिया, तो सर ये काकातिया डायनेसिटी काफी चर्चित है हमारे दक्षिण भारत का इतिहास जब पढ़ोगे, तो काकातिया वंश था, दक्षिण भारतीय वंश था, जिसकी राजधानी जो थी ओगलू थी, जो जिसको हम वारंगल बोलते हैं, जी हाँ पेपर पूछ सकता है काकतिया राजवंश की राजधानी ओगलू, जिसको हम वारंगल बोलते हैं, जिसको बाद में दिल्ली सल्तनत ने जीत लिया था, तो इसकी जो क्वीन थी रानी थी उसका नाम पूछ लिया गया, तो इसका नाम क्या था रुद्रमा देवी, क्या नाम था रुद्रमा देवी। अगला क्वेश्चन है सर गांधी पीस प्राइज 2017, सर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गांधी पीस प्राइज शांति के लिए दिया जाता है, तो रिसेंटली किसको दिया गया है, तो गांधी पीस प्राइज दिया गया है जिनका नाम है ओमर बारगोती। तो ओमर बारगोती बेसिकली कतर से हैं, जो अभी पैलेस्टाइन का मुद्दा चल रहा है उससे संबंधित इनका काफी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। और इनके साथ साथ जो दूसरा व्यक्ति जिसको दिया गया इसका नाम है राल्फ मैदी, तो राल्फ मैदी को भी दिया गया, तो आप अगले पेपर में ये भी पूछ सकता है इसकी जगह, हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति, तो दूसरे व्यक्ति जो है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट राल्फ मैदी भी पेपर में आंसर देखने को मिल सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, हु डिस्कवर्ड वैक्यूम पंप, तो सर स्टैटिक क्वेश्चन है, जिनका नाम है ओटो वॉन गोरिक। अगला क्वेश्चन है पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरीगेशन योजना इन विच स्टेट, तो आपको पता होगा हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार सरोवर जो डैम है वहां से एक स्कीम शुरू की है जिसका नाम है सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण। इसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव ये है, मोदी जी सरदार सरोवर बांध के द्वारा 115 बड़े जो बांध हैं जो सूखे और बाढ़ से संबंधित रहते हैं उनको भरने का इन्होंने
मुहिम चलाई है। तो सर ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और आंसर है सर इसका गुजरात राजकोट में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गांधी स्टार्टेड खेड़ा सत्याग्रह फ्रॉम विच स्टेट। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है सर कि गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया, तो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इन 1980। विच इज द मेन असेंबल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। तो बच्चा बच्चा जानता है, तो कंप्यूटर का जो जान होता है, दिल होता है, उसको बोलते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सर इसके अलावा कुछ क्वेश्चन बच्चों ने हमको बताए जो सीधा सीधा हमको वो नहीं बता पाए, जैसे कि बता रहे थे कि सर कुछ पुलित्जर प्राइज से संबंधित क्वेश्चन थे। तो सर जितने भी पुलित्जर प्राइज हैं, ऑस्कर अवार्ड हैं, नोबेल प्राइज हैं, तो ये आप अगले एग्जाम्स के लिए तैयार करके रखिए, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स में सर जो मार्केट होता है, बाजार होता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। मार्केट क्या है, मार्केट के अंदर ओलिगोपोली, मोनोपोली, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है ना, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन थे, मैच करने के लिए पूछे गए थे। और कुछ क्वेश्चन डिमांड और सप्लाई कर्व से भी पूछे गए थे। और इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड जो है 2016, उससे भी क्वेश्चन देखने को मिला। यानी कि इन एग्जाम में काफी क्वेश्चंस अवार्ड से पूछे गए। अब अगर आप जानना चाहते हो ओलिगोपोली क्या है, मोनोपोली क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, डिमांड सप्लाई, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये सारे अगर फैक्ट आप इकोनॉमिक्स में अगर मास्टर होना चाहते हो, तो यू हैव टू सर्च माई नेम ऑन यूट्यूब, दैट इज विकास तोमर। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे और वहां जाके अगर आप चाहते हैं जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो मेरे वीडियोस पे कमेंट करके आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और मैं आपको अपना बेसकीमती टाइम निकालूंगा और आपको फर्दर वीडियोस तैयार करके दे दूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं हमारा इनिशिएटिव आपको पसंद आया होगा एंड आगे मैं सर बैंकिंग पे भी ऐसे ही MCQs आप भी और बैंकिंग, इकोनॉमी, जितने भी हिस्ट्री, सारे टॉपिक्स में बनाने की कोशिश करूंगा गाइस। टिल देन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग आर वीडियो और प्लीज सर चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो को आगे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जिससे हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो गाइस दोस्तों आने वाले आपके सभी एग्जाम के लिए मैं आपको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से और उम्मीद करता हूँ इन फ्यूचर हमारी अगर मुलाकात होगी, यू विल बी द इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ऑल द बेस्ट गाइज़।